सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार के बाद किसान दिल्ली कूच के लिए आमदा है। किसानों ने शंभू बॉर्डर पर हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनरी मंगाई है। बता दें कि किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल पिछले किसान आंदोलन के दौरान सिंघू बॉर्डर चर्चा में था, हालांकि इस बार शंभू बॉर्डर सुर्खियों में छाया हुआ है। हजारों की संख्या में शंभू बॉर्डर पर जमा किसान दिल्ली में घुसने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के कई बॉर्डर को सील कर दिया गया है। बता दें कि दिल्ली की सीमा दो राज्यों से सटी हुई है। दिल्ली का पूर्वी हिस्सा यूपी से तो पश्चिमी हिस्सा हरियाणा से सटा हुआ है। यूपी के दो जिले गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दिल्ली से लगते हैं, जबकि हरियाणा के चार जिले गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर दिल्ली से सटे हुए हैं। बता दें कि पंजाब सीधे तौर पर दिल्ली से नहीं जुड़ता है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाला हाईवे आगे जाकर पंजाब से जुड़ता है, यहीं पर शंभू बॉर्डर है। दरअसल शंभू की सीमा पंजाब के पटियाला जिले में पड़ती है। शंभू हरियाणा बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव है। ये बॉर्डर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली से हरियाणा को कनेक्ट करने वाला टिकरी, सिंघू और झरोदा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाले चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। वहीं शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है और इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। इन तमाम चीजों पर इस वक्त चर्चा चल रही है और यही वजह है कि अभी तक औपचारिक ऐलान दिल्ली कूच का नहीं किया गया है। हालांकि 11 बजे का अल्टीमेटम था। देखिए फिगर फिर से टियर गैस चल चला है, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक जो टियर गैस शेल है वो दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं। देखिए सामने से तस्वीरें, जो 13 फरवरी को हमने देखा था जिस तरीके का नजारा, वैसा ही कुछ नजारा फिर से एक बार यहाँ देखने को मिल रहा है। हरियाणा पुलिस अर्धसैनिक बल जो तैनात हैं वहां से जो आंसू गैस के गोले हैं वो लगातार बरसाए जा रहे हैं। आसमान में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, कुछ पतंगे भी उड़ रही हैं और ये पतंगे भी रणनीति के तहत, स्ट्रेटजी के तहत किसान उड़ा रहे हैं। दरअसल बार बार हरियाणा पुलिस का जो ड्रोन है वो यहाँ मॉनिटर देखने के लिए आता है, निगरानी के लिए आता है और उसी ड्रोन को गिराने के लिए पतंगे उड़ाई जा रही है। फिलहाल देखिए आप किस तरीके से ऐसा लग रहा है कि आसमान में आतिशबाजी हो रही है, लेकिन ये आतिशबाजी नहीं है, ये आंसू गैस के गोले हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की तरफ से यूपी में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान भी किया गया है। टाइम्स नाउ, नव भारत, डिजिटल की रिपोर्ट।